जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के सभी नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब ये मौजूद हैं जिला परिषद की अध्यक्ष और जेडीयू की नेत्री संगीता जादव के आवास पे, और आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे हुजूम और गाजे बाजे के साथ संगीता जादव यहाँ से थोड़ी देर में बस निकलने वाली है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम तैयारी जो है वो जोर शोर से है, और हाथों में तख्तियां लेकर के संगीता जादव जो कि जिला परिषद की अध्यक्ष है और जेडीयू की नेत्री है, ये यहाँ पे निकल चुकी है। हम सिवान के इनके आवास पे मौजूद है, जो लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के, संगीता जादव जो जेडीयू की नेत्री है और जिला परिषद की अध्यक्ष है, संगीता जादव वो अपने आवास से निकल रही है कार्यकर्ता सम्मेलन में। जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी है, और तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संगीता यादव जेडीयू की जो नेत्री है, संगीता यादव जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, पूरा हुजूम, और देखिए सिवान की सांसद भी इनके साथ विजय लक्ष्मी देवी मौजूद हैं। तो बड़ी तैयारी कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर के, और कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा 2025 में उसके लिए एक बड़ा आगाज है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से चाहेंगे एक बार पूरे इस दृश्य को दिखाएं, पूरा हुजूम संगीता जादव के आवास पे, संगीता जादव जो कि सिवान जिला परिषद की चेयरमैन है और जेडीयू की नेत्री है, और देख सकते हैं चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं विजय लक्ष्मी देवी के और संगीता जादव के। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सामने एमपी सिवान की जेडीयू की एमपी विजय लक्ष्मी देवी और संगीता जादव, और ये लोग अब यहाँ से कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए निकल रहे। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको सिवान वासियों को साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों का समर्थन हमेशा मिलता है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैं साधुवाद देती हूँ कि उनका दिया हुआ हमारे माननीय एनपी यहाँ मौजूद हैं, जो महिलाओं का संख्या आप कह रहे हैं, तो महिलाओं का संख्या में हम लोगों का सिवान काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का सिवान पर काफ़ी ध्यान रहता है। हमारी दो बार महिला सांसद रही हैं और इसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। ओके जी, और 2025 फिर से नीतीश, यही नारा लेकर हम लोग चल 2025 में फिर से नीतीश जी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर लग रहा है मैडम कि आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो यहाँ से आगाज हो जाएगा सिवान घाटो विधानसभा जी। बिल्कुल बिल्कुल, 3800 जिला में इस तरह का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन मेरा जिला सबसे आगे रहेगा, यही मैं अपने सिवान वासियों को हार्दिक स्वागत करती हूँ कि आप लोगों का सहयोग से हम लोग काफी मजबूत रहते हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि संगीता जी 2025 की तैयारी में लगी हुई है, और इसको लेकर इतना देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यहाँ के हमारे माननीय सांसद महोदया जो दिशा निर्देश देंगे लोग, उसी अनुसार इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। सफल होगा आज का कार्यकर्ता सम्मेलन जी। बिल्कुल, 100 में 100, 110 की अध्यक्ष है, तमाम इनके जो आवास है इनका यहाँ पे हुजूम उमर पड़ा है, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब ये लोग यहाँ से यानी कि अपने आवास से सिवान जिला परिषद कैंपस के लिए यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। हजारों का हुजूम है यहाँ पे कार्यकर्ताओं का, जेडीयू का आज सम्मेलन होने वाला है, बड़े बड़े बिहार के मंत्री भी आ रहे हैं। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन आशीष से कि आगे चले और बैनर के साथ पूरे इस तस्वीर को दिखाएं कि आखिरकार सिवान में इसकी क्या कुछ तैयारी है। जेडीयू पूरी तरीके से ताकत झोंक दिया है। जयराम जी, कल भी इनसे बातचीत हो रही थी और आज भी, जेडीयू ने तो पूरी ताकत झोंक दी है जयराम जी आज के इस सम्मेलन को सफल बनाने। ये नीतीश कुमार के प्रति जनता का प्रेम है, वो सच्चा अच्छा और ईमानदार इंसान है, इसीलिए जनता उनके साथ उनके नाम पर उनके बुलाने पर उमड़ जाती है। अभी देखिए विजय बाबू आ रहे हैं, सुनील बाबू आ रहे हैं, विकल बाबू आ रहे हैं, बहुत हमारे प्रांतीय लीडर आ रहे हैं, देख रहे हैं महिला और सभी समाज के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, सारे समाज के लोग एकदम नीतीश कुमार के लिए। चर्चा है कि आप अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव लड़ाने की, ये तो वही जानते हैं, वो हम लोग नहीं जानते, हम लोग के जो मालिक है वो जानते हैं। कितना सफल होगा पूरा सफल होगा एकदम 100, तो हम लोग हो सकता है कि बिहार में हम लोग का स्थान आ जाए। एमपी भी आप लोगों के साथ यहाँ पे, बाबू भाई विजय, यहाँ विजय लक्ष्मी जिंदाबाद, संगीता यादव जिंदाबाद। तस्वीरों में साफ तौर पे
सकते हैं यहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो सिवान की एमपी है वो यहाँ पे मौजूद है और जिला परिषद की जो अध्यक्ष है संगीता यादव और इन लोगों के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ से कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए ये लोग जिला परिषद कैंपस के लिए निकल रहे हैं। तस्वीरों में आपके सामने जो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइए, अभी यहाँ पे आप लोग निकल चुके हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कार्यकर्ता और हमें उत्साह है, ऐसी उत्साह जोश के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाना है और फिर एक बार बिहार में जदयू सरकार बनाना और मुख्यमंत्री का बा मजबूत करना है। चलिए रमेश जी भी यहाँ पे हैं, रमेश जी क्या कहेंगे बताइए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, आगे हम चलेंगे और आगे चल के भी दिखाएंगे क्योंकि गाजे बाजे के साथ यहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा और जो एमपी है जो जिला परिषद की अध्यक्ष है संगीता यादव ये लोग निकली हुई है गाजे बाजे के साथ। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हुजूम उमर पड़ा है और गाजे बाजे के साथ। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के जिला परिषद की अध्यक्ष के आवास से। सिवान के जिला परिषद की जो अध्यक्ष है उनके आवास से, संगीता देवी के आवास से जो कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जो टीम है पूरा हुजूम जो है वो निकल पड़ा है और जेडीयू का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसके लिए ये लोग जिला परिषद के कैंपस में जाने के लिए निकल चुके हैं। तो तस्वीरों में आपके सामने आप सामने देख सकते हैं कि सिवान की एमपी विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान की एमपी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा साइड कर रहे हैं आगे आइए। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं पीछे हम पीछे आइए और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं आपको सिवान जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव और एमपी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जयराम यादव ये तमाम लोग निकल चुके हैं और सिवान के जिला परिषद के कैंपस में आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसी की तैयारी में और पूरा हुजूम जो है वो भी आप पीछे देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, पूरा मैडम काम के सोंगे पानी सो एनिए रही तनी आई है ना हां आई है ना घुस पूरा भीड़ है मैडम पूरा भीड़ हां पूरा भीड़ रहेगा बताइए क्या कहेंगे। ये तो पूरा हुजूम लेकर के उतर गई है, लग रहा है कि कोई चुनाव की रैली में। देखिए आपसे बताना चाहती हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिए वो आरक्षण हमारे सिवान जिला में दिखाई देता है। हमारे ये को कहने पर हमारी जितनी महिलाएं आई हैं आप लोग देख रहे हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है जी। बिल्कुल, तो अब ये बता दीजिए कि भाई तैयारी कहाँ से है। जी हमको कोई तैयारी नहीं है, आप हमारा बैनर पोस्टर देखे होंगे, ये हमारे गार्जियन हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो जो कहते हैं वो हम करते हैं। जा रहा है कि ये 2025 का आगाज है, ये सब कुछ दिखा 2025 फिर से नीतीश 2025 फिर से नीतीश। बिल्कुल, इस बार जेडीयू पूरी तरीके से तैयारी में है, लगा हुआ है और जयराम जी है कुछ कहना चाहते हैं क्या।
महिला आरक्षण का उदाहरण देखिए हमारे एमपी साहब, हमारे चेयरमैन साहब और महिलाओं का देखिए भीड़, और शिक्षक में, पुलिस में सारे महिलाएं आ रही हैं। ये सब नीतीश कुमार का देन है। बिल्कुल, नीतीश कुमार की कार्यशैली सोच का नतीजा है। नीतीश कुमार की कार्यशैली सोच और अति पिछड़ा महिलाओं के लिए स्पेशल जो सोचते हैं वो करते हैं, उस सब का परिणाम है। हुजूम देखिए, जिंदाबाद। बिल्कुल, चारों तरफ नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार को फिर से एक बार सीएम बनाने के लिए ये जेडीयू का सम्मेलन जोर शोर से सीवान में हो रहा है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान।